ऑल राइट सो हेलो एवरीवन कैसे हैं सभी लोग वेलकम टू लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एन टी एस सी ठीक है जस्ट अ सेकेंड पहले मैं इसको पूरा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ नहीं तो मजा नहीं आएगा वाइब नहीं आएगी पढ़ने में ओके ऑल राइट ऑल राइट अमेजिंग सो वेलकम टू लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एन टी एस सी मायने में ज्यादा पौराणिक और आज ठीक है आज ही के दिन हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अरे यार ये पेन का कलर वापस से रेड है आई लेव टू चेक वंस ओके सो आज ही के दिन हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ठीक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये दोनों चैप्टर्स एक ही शॉर्ट के अंदर फिनिश करने वाले हैं ठीक है आज इस एक लेक्चर के अंदर हम ये दोनों के दोनों चैप्टर्स कंप्लीटली फिनिश करने वाले हैं मतलब समझ लो हम दोनों हम लोगों ने ये दोनों चैप्टर्स पढ़ लिये इंट्रोडक्शन टू तो ट्रिग्नोमेट्री भी पूरा कंप्लीट हो चुका है सम एप्लीकेशन ऑफ तो ट्रिग्नो भी ट्रिग्नोमेट्री भी पूरा कंप्लीट हो चुका है दोनों की इस चैप्टर की दो क्विज हो चुकी हैं इस चैप्टर की एक क्विज हुई है और आज रात को इसकी दूसरी क्विज भी हो जाएगी ठीक है डिटेल में दोनों चैप्टर पढ़ रखे लेकिन मैं चाहता था कि ये दोनों के दोनों चैप्टर्स आपको एक शॉट में भी समझा दूँ ताकि आज जब भी आप पढ़ने बैठो तो शायद आपको ये लेक्चर बहुत काम आए ठीक है बहुत काम आए क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स है तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड लेकिन हो सकता है कि आपको अलग अलग पढ़ने पड़े तो आज इस लेक्चर के अंदर हम ये दोनों चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं ठीक है सो वेलकम टू लेट्स क्लैक फाउंडेशन एंड एन आज हम सिर्फ आ, ये चैप्टर पढ़ेंगे नहीं तो सबसे पहले तो हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझेंगे ठीक है दोनों चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्विकली समझेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं ठीक है दोनों चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्विकली समझेंगे दूसरा ठीक है दूसरा हम दोनों चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे ठीक है आपकी जो एनसीआर है उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग करने वाले हैं बिल्कुल से ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए ठीक है तीसरा हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे ठीक है जैसे कि हम लोग यहाँ पर रेशियोज पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक्स हैं ताकि आपने अगर लेक्चर्स नहीं भी देखे हों इसके बारे में अगर आपने आ, मेरे लेक्चर्स पुराने नहीं देखे हो तो भी आप इस चैप्टर को ये वाला लेक्चर देख के एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर कर सकते हैं रेशियो समझेंगे ठीक है दूसरा दूसरा हम लोग यहाँ पर यार जैसे कि स्पेसिफिक एंगल्स के लिए कुछ रेशियो थे ठीक है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हमारे रेशियो थे तो वो भी हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर देंगे ठीक है ग्रेट अमेजिंग और तीसरा हम सम्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दो कॉन्सेप्ट ही हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन तो वो दोनों भी हम लोग खत्म कर देंगे आज ठीक है तो आज ये चैप्टर लेक्चर के अंदर आपके दोनों चैप्टर्स कवर हो जाएंगे तो आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा ऑल राइट right. आगे बढ़ते हैं ठीक है इंट्रोडक्शन टू तो टिक्नोमेट्री ये तो है ही सही लेकिन इसी के साथ साथ इसी के साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री ठीक है हम पढ़ने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ओके ग्रेट ये पेंटावलैग हो गया नहीं तो मैं सब एप्लीकेशन से लिखने वाला था और राइट right, बात करते हैं माइने मुजहर पुराने की नाइल भी टीचिंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथेमेटिक्स मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ ठीक है मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ और राइट मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ ठीक है मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ और मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाता हूँ ठीक है मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाता हूँ और राइट फिज़िक्स मैं आपको अन अडमी की स्पेशल क्लासेस पे पढ़ाता हूँ आप बिल्कुल से अन अकेडमिक ऐप डाउनलोड करके जो है मेरी क्लासेस देख सकते हैं क्योंकि मैं जनरली वहाँ पर लाइव आता हूँ और बहुत सारे बच्चे रहते हैं बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं और एक बहुत ही कमाल का सेशन होता है जनरली रोज़ एट सिक्स थर्टी पी एम एट सिक्स थर्टी पी एम आई कम लाइव ओवर देयर ठीक है सिक्स थर्टी पी एम पर मैं लाइव आता हूँ कल भी कल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है और आज उस चैप्टर के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स ठीक है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ठीक है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे साथ ही साथ में हम लोग आज थ्योरी क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ ठीक है साथ ही साथ हम लोग रेजिस्टेंस की भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर आपको सीरीज रेजिस्टेंस दे, अगर आपको रेजिस्टेंस दे दिया है अगर आपको पैरेलल रेजिस्टेंस दे दिया है ठीक है तो उनके साथ डील कैसे करना है अगर आपको कॉम्बिनेशन दे दिया है सीरीज़ और रेजिस्टेंस का तो उनके साथ में कैसे डील करना है ठीक है तो हम ये बात भी आज करने वाले हैं साथ ही साथ में आपको केमिस्ट्री कहाँ पर पढ़ाता हूँ आपको पता ही होगा अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ अन ठीक है अन अकेडमी नाइन्थ एंड टेंथ चैनल के ऊपर ठीक है अन अकेडमी नाइन्थ एंड टेंथ चैनल के ऊपर ठीक है ग्रेट अमेजिंग और राइट और मैथ कहाँ पर बढ़ा दो हूँ वो तो आपको पता ही है एन टी एस सी फाउंडेशन चैनल पर लेकिन यार मैं मैथ्स के आपको क्विक रिविजन अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस पर भी लेता हूँ ठीक है मैं आपके मैथ्स को क्विक रिविजन अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस पर भी लेता हूँ और राइट तो बिल्कुल से आकर मुझे यहाँ पर फॉलो कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे सेशन आपके लिए वेट कर रहे हैं वहाँ पर लाइव सेशन ठीक है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं गाइस प्लस सब्सक्रिप्शन को लेकर पी एल यू एस अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन को लेकर ठीक है यहाँ पर अगर आपका अगर गोल एन टी एस सी वगैरह है अगर आपका गोल क्लास नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ अगर आपको प्रॉपर तरीके से क्रैक करना और अगर आप चाहते हैं ठीक है कि आपका यार गोल मतलब आप बिल्कुल सीरियस हो चुके अपने गोल को लेकर तो आप बिल्कुल से यहाँ पर अन अेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को चेक कर सकते हैं बहुत सारे प्लान्स आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे प्लान्स हैं लेकिन यहाँ पर जो ट्वेल्व मंथ्स और ट्वेंटी फोर मंथ्स वाले प्लान्स हैं ना वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलता है यू कैन सी दिस ठीक है साथ ही साथ इतना ही काफी नहीं है ठीक है इतना ही काफी नहीं है तो अगर आप मेरा प्रोमो कोड अगर आप मेरा प्रोमो कोड ए पी जीरो वन इसे यूज करेंगे ठीक है ap01 जीरो वन अगर आप इसे यूज करेंगे वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रेफरल कोड डालने का अगर ए पी जीरो वन आप ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे ठीक है तो आपको उसके ऊपर भी टेन परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा ठीक है तो आप सोचो मतलब आपका दो साल का प्लान था और उस पर आपको और टेन परसेंट ऑफ देखने को मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड या फिर रेफरल कोड ए पी ज़ीरो वन यूज़ करेंगे तो ठीक है अमेजिंग ग्रेट कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं बात करते गए सिर्फ एन टी एस सी नहीं तो हो सकता है कि आपका गोल हो क्लास नाइन्थ अगर आप अभी क्लास नाइन्थ में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको क्लास नाइन्थ ठीक है आप, आपका गोल हो सकता है क्लास टेन आपका गोल हो सकता है कि नहीं यार मैं चारों साल अपने सिक्योर करना चाहता हूँ तो आप बिल्कुल से यहाँ पर बहुत सारे प्लान्स देख सकते हैं ट्वेल्व मंथ्स ट्वेंटी फोर मंथस थर्टी सिक्स मंथ्स और फोर्टी एट मंथ्स में आपको काफ़ी अच्छे जो हैं वो डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं ठीक है बहुत सारे डिस्काउंट्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोर्टी एट मंथ्स ठीक है फोटी एट मंथ्स और राइट तो मतलब आपको फोर्टी फोर्टी एट मंथ्स यानी कि कितने कितने साल हो गए आप खुद सोचो राइट right? 12 मंथ्स ट्वेंटी फोर 36 थर्टी सिक्स मंथ्स एट और यहाँ पर आपको अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है राइट right? और अगर आप इसमें ए पी जीरो वन ये कोड यूज करते हैं ठीक है ए पी जीरो वन अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ जो है वो देखने को मिल जाएगा ठीक है और राइट अमेजिंग ग्रेट आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्विकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से हम ये जानते हैं कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राएंगल है ठीक है हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं ठीक है ग्रेट अब हम ये जानते हैं यार कि इस एगल इस ट्राइंगल के अंदर हमें तीन एंगल्स देखने को मिल रहे हैं एक है एंगल ए दूसरा है एंगल सी और तीसरा है एंगल बी ठीक है मैं एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो ट्राएंगल है इट इज़ राइट एंगल्ड एट बी यानी कि जो बी है वो कितना है वो है नाइन्टी डिग्री ठीक है फटाफट से कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे सब ईजी है ठीक है बचे एंगल ए और एंगल सी ठीक है अब एंगल ए और एंगल सी के रिस्पेक्ट में ठीक है एंगल ए और एंगल सी के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड है वो चेंज हो जाती है कैसे हो जाती है अगर मैं देखता हूँ इस एंगल ए को तो इस एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है इस एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है वो है ये बी सी ठीक है सो एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड है फिर जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है जस्ट अपोजिट अपोजिट साइड कौन सी है जस्ट अपोजिट साइड है बी सी ठीक है जस्ट अपोजिट साइड है बी सी ग्रेट अमेजिंग कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं ओके okay. अगर इस एंगल ए के लिए सामने वाली साइड अपोजिट साइड जो है ठीक है तो जो नीचे उस एंगल से जस्ट यहाँ पर लगी हुई साइड है ये वाली ये क्या हो जाएगी इस एंगल के लिए ये हो जाएगी बेस ठीक है इस एंगल ए के लिए जो बेस या फिर आप कह सकते हो कि एडजेसेंट ठीक है बेस या फिर आप कह, या फिर आप कह सकते हो कि एडजेसेंट ठीक है बेस या फिर आप कह सकते हो कि एडजस्टन जो साइड है ठीक है वो कौन सी है ए बी ठीक है वो कौन सी है ए बी है अमेजिंग अमेजिंग ठीक है अमेजिंग इसका मतलब ये है कि एंगल ए के लिए अभी हम सिर्फ एंगल ए की बात कर रहे हैं ठीक है ठीके? इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड या फिर अब देखो जनरली लोग क्या करते हैं लोग है? लो परपेंडिकुलर बोलते हैं तो या तो आप इसे परपेंडिकुलर बोल लो या फिर आप इसे अपोजिट साइड बोल लो बात एक ही है ठीक है लेकिन परपेंडिकुलर साइड बोलने में थोड़ा सा आसान लगता है अपोजिट और एडजस्ट में कंफ्यूजन होता है ठीक है एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर साइड होगी एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है बी तो बी जो है वो परपेंडिकुलर है ठीक है बात करते हैं एंगल सी की ठीक है हमने अब एंगल सी ए के रिस्पेक्ट में बात कर ली अब बात करते हैं यहां पर एंगल सी की चलो एंगल सी के रिस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट है फिर जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है एंगल सी के रिस्पेक्ट में जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है वो है ए बी ठीक है साइड अपोजिट ठीक है या फिर मैं कह सकता हूँ साइड अपोजिट या फिर मैं कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर ठीक है कौन सी साइड है वो है ए बी ठीक है वो है ए बी अमेजिंग ठीक है अमेजिंग अगर मैं बात करता हूँ ठीक है अगर मैं बात करता हूँ इस एंगल सी के लिए जस्ट इस एंगल सी से जस्ट लगी हुई साइड कौन सी या फिर इस एंगल सी के लिए एडजसे साइड कौन सी कौन सी हो जाएगी बी सी हो जाएगी ठीक है तो एंगल सी के लिए जो बेस हो जाएगा ठीक है जो बेस हो जाएगा या फिर जो एडजेसेंट हो जाएगा ठीक है या फिर जो एडजेसेंट हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे बी सी ठीक है उसे हम कहेंगे बी सी तो एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि एंगल के अकॉर्डिंग अपोजिट और बेस या फिर अपोजिट और एडजेसेंट या फिर परपेंडिकुलर और बेस ये साइड चेंज हो रही है एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी थी बी सी वही एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी थी ए बी तो हम वाइब समझ पा रहे हैं यहाँ पर वाइब ऐसी है यार कि एंगल के अकॉर्डिंग हमारी परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर और बेस ये साइड्स जो है वो चेंज हो रही है ठीक है ये साइड्स जो है वो चेंज हो रही है अमेजिंग कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब यार भैया हाइपोटिनियस साइड का क्या देखो जो हाइपोटीनियस वाली साइड है वो दोनों के लिए सेम रहेगी क्यों क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर आप सोचो कि हाइपोटीनियस साइड जो है वो हमारी सबसे ज्यादा लेंथ वाली साइड होती है ठीक है लॉन्गेस्ट साइड होती है ठीक है ग्रेट तो हाइपोटेनस तो चेंज होगी नहीं क्योंकि ये सबसे सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट साइड है और दूसरी बात हाइपोटेनस चेंज हो कैसे सकती है आप सोचो ए बी देखो बी सी और ए बी इन दोनों की लेंस जो हैं इन दोनों की लेंस जो है वो हाइपोटेनस की कंपेरिजन में कम होती है ठीक है अब अगर मैं हाइपोटेनस ही चेंज कर दूंगा तो फिर तो पूरा पाइथागोरस थ्योरम का मतलब भी बदल जाएगा तो इतना डीप में नहीं जाते हैं बस मैं इतना कहूँगा बस मैं इतना कहूँगा कि इस एंगल के लिए अपोजिट साइड देखो कौन सी है बी सी इस एंगल के लिए बेस वाली साइड देखो कौन सी है ए बी बात ख़त्म ठीक है हाइपोटीनियस इसके लिए ए सी ही रहेगी ठीक है हाइपोटेनियस इसके लिए ए सी ही रहेगी सिमिलरली इस एंगल सी के लिए ठीक है सिमिलरली इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी है फिर अपोजिट साइड कौन सी है ए बी ठीक है बेस वाली साइड कौन सी है एडजेसेंट साइड कौन सी है बी सी ठीक है और हाइपोटीनियस कौन सी रहेगी ए सी ही रहेगी ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कि क्या होता है अभी आगे बचा है ऑफकोर्स साइन कॉस टेन क्या होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है ग्रेट यहां पर यार हम अगर जानते हैं नहीं जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले अगर आपको यह ट्रिक नहीं पता है तो ये एक ट्रिक है ठीक है ये एक ट्रिक है जो कि यूज़ की जाती है अगर आपको नहीं पता हो तो और अगर आपको पता हो तो देखो P बाय एच इजिक्वल्स टू बी बाय एच इज इक्वल्स टू पी बाय बी ठीक है अपॉन में लिखा है एस सी टी मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ ये पी की बात कर रहा हूँ ये पी मैंने यहाँ पर लिखा है ये एच मैंने यहाँ पर लिखा है ये बी जो है मैंने यहाँ पर लिखा है और ये एच जो है मैंने यहाँ पर लिखा है वापस से ये पी जो है मैंने यहाँ पर लिखा है बी जो है यहाँ पर लिखा है सोना का एस जो है वो यहाँ पर लिखा है चांदी का सी जो है वो यहाँ पर लिखा है और तोले का टी जो है वो यहाँ पर लिखा है अब अगर मैं ध्यान से देखता हूँ ठीक है अब अगर मैं चीज़ों को ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पर पी जो है ठीक है यहाँ पर ये जो पी है इसका मतलब है परपेंडिकुलर ठीक है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है परपेंडिकुलर और आपने ये ट्रिक के बारे में सुना ही होगा हर जगह ये ट्रिक यूज़ होती है है ना हर जगह ये जो ट्रिक है वो यूज़ होती है ओके अमेजिंग ग्रेट कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो पी मतलब परपेंडिकुलर एच मतलब मैं बता दूँ हाइपोटेनियस ठीक है एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पी और अगर शायद अभी मैं विजिबल नहीं हूँ तो यहाँ पर एच एच का मतलब हाइपोटेनियस ठीक है एच का मतलब हाइपोटेनियस तो ये एस सी टी ए क्या है ये बताता हूँ मैं आपको आगे बताता हूँ ठीक है अब यहाँ पर आते हैं ये पहला वाला हो गया समझ गए हम पी मतलब क्या है परपेंडिकुलर एच मतलब क्या है हाइपोटीनियस बी अपॉन एच ठीक है बी बाय एच लिखा हुआ है बी का मतलब होता है बेस ठीक है बी का मतलब क्या हो जाएगा बी का मतलब हो जाएगा बेस ठीक है बी का मतलब हो जाएगा बेस ग्रेट अमेजिंग उसके जैसे नीचे एच लिखा है हमने अभी बात की एच क्या होता है एच होता है हाइपोटीनियस ठीक है एच होता है हाइपोटीनियस ग्रेट ठीक है ग्रेट अमेजिंग अमेजिंग अब बात करते हैं इस तीसरे वाले की ठीक है दूसरे वाले की बात कर ली हमने तीसरे वाले की बात करते हैं थर्ड वाले की बात करते हैं थर्ड वाले में अगेन क्या लिखा हुआ है पी बाय लिखा हुआ है पी का मतलब परपेंडिकुलर बी का मतलब बेस ठीक है तो अब हमें समझ चुके हैं कि जो ये पहला रेशियो है उसका क्या मतलब है उसका मतलब है परपेंडिकुलर पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस एच ठीक है, पॉन है, पॉन है इस सेकेंड वाले का क्या मतलब है बी बेस अपॉन एच एच मतलब हाइपोटेनियस ठीक है सिमिलरली ठीक है सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये थर्ड वाले में ये थर्ड वाले में ठीक है ये थर्ड वाले में पी बाय बी लिखा हुआ है ठीक है पी बाय बी लिखा हुआ है right. P मतलब और राइट पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब बेस ऑल राइट तो ये एस सी टी ये क्या है देखो S का मतलब है साइन ठीक है S का मतलब है साइन C का मतलब है कॉस ठीक है C का मतलब है कॉस और T का मतलब है टेन ठीक है का मतलब है टैन यानी कि साइन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कॉस का जो रेशियो होता है ठीक है कॉज का जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस मी चेंज द पेन और यू विल गेट कंफ्यूज्ड ठीक है ग्रेट साइन का क्या रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस होता है ठीक है कॉज का क्या रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है राइट राइट टैन का क्या रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कमाल है कमाल ठीक है ग्रेट ऑल राइट ये बात हम समझ चुके हैं ये बात हम समझ चुके हैं कि ये ये जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले ये जो लिखा हुआ है ठीक है ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है पी एच बी एच और प्रसाद और बोले ठीक है सोना चांदी तोले एस सी टी ये बात हम समझ चुके हैं अमेजिंग ठीक है अमेजिंग ग्रेट ठीक है अब बात करते हैं साइन ए की है ना अब बात करते हैं साइन ए की अभी हम थोड़ी देर पहले बात करके आए थे कि एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड जो है वो अलग होगी और बेस वाली साइड जो है वो अलग होगी सिमिलरली ठीक है सिमिलरली एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर वाली साइड है ठीक है वो अलग होगी और बेस वाली साइड जो है वो अलग होगी ऑल राइट अमेजिंग ठीक है अमेजिंग ग्रेट अमेजिंग ठीक है इस एंगल एक के अकॉर्डिंग बात करें ठीक है इस एंगल एक के अकॉर्डिंग बात करें इस एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी वो हो जाएगी बी सी ठीक है वो हो जाएगी बी सी ऑल राइट ओके और अब देखो अब देखो कि हमने बात की थी कि जो साइन था साइन का रेशियो क्या था साइन का रेशियो था पी बाई एच ठीक है साइन का रेशियो था पी बाई एच यह रहा ठीक है ये रहा है ना ये रहा ग्रेट पी बायच था ओके पी बाईच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लेकिन यहां पर हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी बी सी होगी ग्रेट एंगल ए के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस वाली साइड कौन सी होगी ए सी होगी ए सी होगी कॉस ए कॉस के रिस्पेक्ट में अब कॉस की बात कर रहे हैं ठीक है यहां पर हमने देखा कि कॉस का रेशियो क्या निकल के आया था वो था बेस अपॉन हाइपोटीनियस ये रहा बी एच और यहाँ सी का कॉस का सी ठीक है तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटीनियस ठीक है ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटीनियस ग्रेट अमेजिंग ठीक है लेकिन यहाँ पर हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हमें बेस एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा बेस क्या हो जाएगा एंगल एक के रिस्पेक्ट में ए बी है ना ए बी हो जाएगा नहीं हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा ठीक है बिल्कुल हो जाएगा ठीक है और हाइपोटिन सेम रहेगा नहीं रहेगा बिल्कुल रहेगा हमने अभी बात की थी कि हाइप्रोटिन है सेम रहता है तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा ग्रेट अमेजिंग टैन की बात करेंगे ये रहा, रहा पी बाय यहां पर लिख रहा हूं मैं टेन टैन।, टैन पी अपॉन बी, बी। है ना ग्रेट टेन ए टेन ए परपेंडिकुलर पेंडिकुलर बी सी हो गए लेकिन इन तीनों का क्या A, सेक A, A, इनका क्या तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो तीनों होते हैं वो इन तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं यानी कि अगर साइन ए अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कौसेक जो हो जाएगा ठीक है कौशिक का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा वो हो जाएगा हाइपोटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर ठीक है वो हो जाएगा हाइपोटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर अगर कॉस ठीक है अगर कॉस का जो रेशियो है वो है बेस अपॉन हाइपोटीनियस ठीक है वो है बेस अपॉन हाइपोटीनियस तो ये जो सेक है ठीक है ये जो सेक है इसका रेशियो कितना हो जाएगा इसका रेशियो कितना हो जाएगा इसका रेशियो हो जाएगा हाइपोटीनियस अपॉन बेस एच बाय बी ठीक है एच बाय बी टैन की बात करते हैं है ना टेन की बात करते हैं टैन का रेशियो कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस कॉसेक की बात हो गई सेक की बात हो गई अब कॉट की बात करेंगे ठीक है टैन का रेशियो कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहां पर हमने देखा ये रहा ठीक है यहां पर हमने देखा तो कॉसिक uh, कॉट जो होता है ठीक है कॉट जो होगा कॉट का रेशियो क्या हो जाएगा कॉट का, का रेशियो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर ठीक है कॉट का रेशियो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि हमें बस इन तीन रेशियोज के बारे में जानकारी रखनी है जो कि है साइन ठीक है कॉस और टैन ठीक है जो कि है साइन कॉस और टैन अगर हमें पता है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस होता है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटीनियस होता है और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो हम आसानी से ठीक है तो हम आसानी से ये जो बाकी के तीन रेशियोज है कॉसिक ए सेक ए और कॉट ए इन्हें निकाल सकते हैं वापस से मैं एक बार बता दूं साइन ए का रेसी प्रोकोल या फिर उल्टा क्या हो जाएगा वो हो जाएगा कॉसिक ए ठीक है तो अगर साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस है तो कौस ए हो जाएगा हाइपोटीनियस अपॉन परपेंट ये रिलेशन कुछ ऐसा होता है साइन ए इज इक्वल्स टू वन बाय कॉसेक ए ठीक है या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो ठीक है आप उल्टा भी बोल सकते हो ओके ग्रेट सिमिलरली जो हमारा कॉस ए होता है कॉस ए रहा कॉस है और इसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक ए ठीक है सेक ए हो जाएगा कॉस है क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटीनियस सेक ए हाइपोटीनियस अपॉन बेस ठीक है बेस ऑल राइट बात करते हैं टेन की टेन ए की है ना टेन ए टेन ए क्या होता है टेन ए का उल्टा क्या हो जाएगा कॉटे हो जाएगा तो टेन ए का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉटे ठीक है टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है तो कॉटे क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर ठीक है कॉटे हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर और ये आपका यहाँ पर रेशियो वाला पोर्शन हो चुका है खत्म ठीक है ये हो चुका है खत्म अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि साइन सी क्या होगा साइन सी क्या होगा तो यहां पर अभी तक हम बात ए के रिस्पेक्ट में कर रहे थे अब अगर मैं बात सी के रिस्पेक्ट में करूंगा तो रेशियो तो भाई साहब सेम रहेगा रेशियो क्या रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस इससे एंगल का कोई भी रिलेशन नहीं है ठीक है इससे एंगल का कोई भी रिलेशन नहीं है यही रूल हमें फॉलो करना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस लेकिन हम ये जानते हैं कि एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर चेंज होता है यानी कि साइन सी इस एंगल सी के लिए है ना इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी ए बी ए भी हो जाएगी नहीं हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी ठीक है और इसी एंगल सी के लिए हाइपोटिनिस वाली साइड कौन सी होगी वो ए सी हो जाएगी राइट वो ए सी हो जाएगी है ना ग्रेट अमेजिंग तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं साइन सी की बात कर रहा हूँ अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूँ तो बस मुझे ये देखना है कि परपेंडिकुलर साइड कौन सी और बेस वाली साइड कौन सी है उस एंगल के अकॉर्डिंग बाकी सारा का सारा खेल जो है वो पी बाई एच से हो जाएगा ये जो आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं या आपने हर जगह देखा होगा ठीक है आपको हर जगह यही एग्जाम्पल देखने को मिलता होगा बिकॉज दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू लर्न दिस रेशियोस ओके अमेजिंग आगे बढ़ते हैं ग्रेट अब यहाँ पर साइन ए कॉस ए ये क्यों को रखा है तो मुझे एक बात बताओ साइन ए का जस्ट उल्टा क्या होता है कॉस ए क्या होता है ठीक है कॉस ए क्या होता है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि साइन ए का ठीक है साइन ए का इन्वर्स जो है वह कौसे क्या होता है ठीक है लेकिन लेकिन यह और ये इन दिनों दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है ठीक है इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है ये पूरा का पूरा जो काम है वो हम करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में काम है करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में और ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हम ग्यारहवीं में पढ़ते हैं बारहवीं में पढ़ते हैं ठीक है प्रॉपर अच्छी तरीके से डेडिकेटेड चैप्टर्स होते हैं इनके लिए तो कभी भी ठीक है कभी भी साइन ए का इन्वर्स और साइन इनवर्स ए ठीक है ये दोनों बराबर नहीं होते हैं और आप ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है ठीक है ये बराबर नहीं होते हैं जैसे कि ये ठीक है ये क्या हो जाएगा वन बाय टू हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा सिमिलरली ये ठीक है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि साइन ए जो है इट इज़ इक्वल्स टू वन बाय कॉसिक ए या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि कॉसक ए ठीक है कॉसक ए इज इक्वल्स टू वन बाय साइन ए ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं ओके कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है हमको और राइट ग्रेट यहाँ पर ठीक है यहाँ पर जैसे कि हमने बात की कि साइन ए का उल्टा कॉसे के होता है सिमिलरली हमने ये भी बात कर ली थी कि जो सेक ए होता है जो कॉस ए होता है उसका उल्टा सेके हो जाएगा और टेन ए का उल्टा यानी फिर रेसिप्रोकल कॉटे हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं ये बात हमने कर ली ग्रेट अब जरा बात करते हैं इस क्वेश्चन की ठीक है इस क्वेश्चन की, की बात करते हैं हमें बोला गया है कि साइन ए जो है वो थ्री बाय फोर है ठीक है साइन ए की वैल्यू कितनी है थ्री बाय फोर है और राइट right. हमसे पूछा गया है कॉस ए और टेन ए हमें हमें मतलब साइन ए की जो साइन ए का जो रेशियो है वो दे दिया गया है और हमसे बोला गया है कि आप कॉस ए और टेन ए निकालो ठीक है कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन हम ये जानते हैं कि साइन ए जो होता है या फिर साइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ठीक है ये बराबर है थ्री बाई फोर के ठीक है ये बराबर है थ्री बाय फोर के इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को कोई परेशानी नहीं ठीक है लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं इसका ट्राएंगल बनाऊंगा ठीक है जब मैं इसका ट्राएंगल बनाऊंगा मानती ये ट्राइंगल है ये है एंगल ए साइड ए ये है बी ठीक है ये है बी और ये है सी ठीक है परपेंडिकुलर इस एंगल ए के अकॉर्डिंग ठीक है इस एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड कौन सी है बी सी है तो इसकी लेंथ थ्री हो जाएगी नहीं इसकी लेंथ थ्री नहीं होगी बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये समझना और ये गलती हमेशा होती है कि पी बाय एच इज़ इक्वल्स टू थ्री बाय फोर सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि थ्री बाय फोर एक रेशियो है मैं सीधा का सीधा थ्री बाहर उठा के ये नहीं बोल सकता कि परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो थ्री है ये एक रेशियो है रेशियो है तो हमें कोई ना कोई ऐसा एक कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसके चलते हमें लेंथ मिल जाए तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं के ठीक है यहां पर हम के से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है सो so जब हम के से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम बोल सकते हैं कि हाँ थ्री के जो है ठीक है थ्री के जो है वो परपेंडिकुलर साइड है और फोर के जो है वो हाइपोटीनियस वाली साइड है क्यों क्योंकि क्योंकि थ्री जो था थ्री बाय फोर तो एक रेशियो का पार्ट था ठीक है थ्री और फोर ही रेशियो के पार्ट है ठीक है कोई ना कोई ऐसा हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमें लेंथ मिल जाए ठीक है तो हमने कहा क्या किया से मल्टीप्लाई कर दिया अब अगर आप चाहो तो आप ए बी सी डी ई एफ जी किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ठीक है आप चाहो तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो लेट मी चेक वंस कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है कुछ हम नीचे के साइड हैं ओके ठीक है आप चाहो तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप चाहो तो आप ए से मल्टीप्लाई कर दो भाई बी से मल्टीप्लाई कर दो सी से कर दो डी से कर दो ई e से कर दो एफ से कर दो कोई दिक्कत नहीं ठीक है आप लिख सकते हो थ्री ए अगर परपेंडिकुलर साइड थ्री ए हो गई तो बेस वाली साइड कितनी हो जाएगी सिंपल सॉरी हाइपर वाली साइड कितनी हो जाएगी सिंपल फोर ए ठीक है सिंपल फोर ए रहेगा तो यही बस आगे एक मल्टीप्लाई हो जाएगा किस चीज़ का किस चीज का होगा या तो ए का कर दो बी का कर दो सी का कर दो डी का कर दो ई e का कर दो एफ का कर दो कोई भी कर दो लेकिन मल्टीप्लाई करना जरूरी की है क्योंकि ये एक रेशियो है और ये रेशियो को हम अगर लेंथ में कन्वर्ट करना है तो हमें किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोई ऐसी एक चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं ओके इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको आज बताना चाहता हूं जो कि मैं लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूं कि ठीक है कि यहां पर यहां पर ये जो आपको थ्री के दिख रहा है फोर के दिख रहा है ठीक है हमेशा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ट्राइंगल की तीनों साइड्स हम निकाल लेंगे ठीक है हमेशा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ट्राइंगल की तीनों साइड जो है वो हम निकाल लेंगे यहां पर मेरे पास में हाइपोटीनियस है मेरे पास में परपेंडिकुलर है मुझे बेस की ज़रूरत है तो मैं बेस निकाल सकता हूँ थ्योरम से निकाल सकता हूँ निकाल के देखते हैं ठीक है पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ मैं तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ये हम जानते हैं कैसे लगाते हैं हाइपोटीनियस का स्क्वायर इजिकल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ठीक है या फिर आप उल्टा बोल दो कुछ भी बोल दो ठीक है ए सी ए सी की वैल्यू कितनी है फोर के हो जाएगा फोर के और ऊपर लग जाएगा स्क्वायर कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर ठीक है ए बी पता है हमें नहीं पता है तो मैं ऐसे लिख दूँ इसको ठीक है ऐसे लिख दूँ इसको ए बी का ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हमें बी सी पता है कितना है बिल्कुल पता है कितना है थ्री के तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर थ्री के और थ्री के का स्क्वायर कर दूंगा ठीक है थ्री के का स्क्वायर कर दूंगा और राइट right. कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ये हो जाएगा सिक्सटीन के स्क्वायर ठीक है सिक्सटीन के स्क्वायर इजिक्वल टू ए बी स्क्वायर ठीक है ए बी स्क्वायर प्लस नाइन के स्क्वायर ठीक है प्लस नाइन के स्क्वायर जब मैं इस नाइन के स्क्वायर को एल एच एस में लेके जाऊँगा तो ये आंसर कुछ ऐसा बन जाएगा सिक्सटीन के स्क्वायर सिक्सटीन के स्क्वायर माइनस नाइन के स्क्वायर ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं इजिक्वल्स टू ए बी स्क्वायर ठीक है इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर ग्रेट सिक्सटीन माइनस नाइन कितना हो जाएगा क्योंकि आगे की साइड दोनों सेम चीज़ें लगी हुई हैं तो सिक्सटीन माइनस नाइन कितना हो जाएगा सेवन तो ये हो जाएगा सेवन की स्क्वायर ठीक है ये हो जाएगा सेवन की स्क्वायर इजिकल्स टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अब मुझे ए बी स्क्वायर की जरूरत नहीं मुझे तो ए बी चाहिए तो मैं क्या करूँगा इस ए बी का जो स्क्वायर है वो उधर साइड भेज दूंगा एल एच एस में भेज दूंगा और जैसे ही मैं स्क्वायर को एल एच एस में भेजूंगा तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा रूट सेवन रूट सेवन के के रूट के बाहर रहेगा क्यों क्योंकि के स्क्वायर था स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो गया यहाँ पर हमारा बचा ए बी तो ये सब करने के बाद में हमारे पास में हमारी साइड आ चुकी है ए बी जो कि है रूट सेवन के ठीक है जो कि है रूट सेवन के ओके कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं अब हमें क्या बोला गया भाई है निकालो और है निकालो हमारे लिए टफ है क्या कॉस ए निकालना है या, यानी कि सबसे पहले तो हमें एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करनी है ठीक है हमें एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करनी है कॉस ए कितना होता है कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटीनियस इस एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस कितना है रूट सेवन के ठीक है रूट सेवन के है ओके ऑल राइट ऑल राइट ओके और हाइपोटीनियस कितना है हाइपोटीनियस कितना है फोर के है पैर लग दूँ फोर के अब सीधी सी बात है के से के हो जाएगा कैंसिल तो आंसर कितना आ जाएगा रूट सेवन बाय फोर आंसर कितना आ जाएगा रूट सेवन बाई फोर कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं ओके टेन ए की बात करते हैं ठीक है टेन ए की बात करते हैं राइट एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी बी सी होगी ठीक है तो मैं लिख दूंगा थ्री के अब अब ऑफकोर्स सॉरी मैं बताना भूल गया टेन थीटा का रेशियो क्या होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बी सी ठीक है एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बी सी एंगल एक अकॉर्डिंग बेस रूट सेवन ठीक है रूट सेवन के ऑफकोर्स बेस की लेंथ रूट सेवन के ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं के से के कैंसिल हो जाएगा आंसर कितना आएगा आंसर आ जाएगा थ्री बाय थ्री बाय रूट सेवन यानी कि ठीक है यानी कि हमारे पास में कॉ से आ चुका है रूट सेवन बाय फोर और हमारे पास में टेन ए भी आ चुका है जो कि है थ्री बाय रूट सेवन ठीक है जो कि है थ्री बाय रूट सेवन क्या यहाँ पर मुझे ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है ए वाला ठीक है तो ये तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया आप जो है इसे फटाफट भी कर सकते हो लेकिन एग्जाम में हमें ऐसे ही सॉल्व करना होता है हर एक चीज अगर मैं क्लास टेन बोर्ड की बात करता हूँ आपकी ठीक है तो हमको हर एक चीज जो है उसे ध्यान से लिखना होता है पेपर के अंदर क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना है ठीक है अमीज आंसर क्या है ए क्या हमने ए पे टिक किया बिल्कुल टिक किया तो हमारा आंसर आ चुका है सही एक बार आप खुद से भी ट्राई करना हो जाएगा आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं रेशियो वाला पोर्शन अब खत्म हो चुका है बस अब क्वेश्चन से ही देखने हमको ग्रेट फाइंड इन फिगर एट पॉइंट कॉट आर ठीक है फाइंड टैन पी माइनस टैन पी यानी कि ये एंगल पी इस एंगल पी के अकॉर्डिंग बात करनी है हम जानते हैं कि टैन का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो इस एंगल पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो जाएगी क्यू आर हो जाएगी ठीक है क्यू आर हो जाएगी ओके okay. और बेस वाली साइड कौन सी हो जाएगी वो हो जाएगी पी क्यू ये हो जाएगी पी क्यू ठीक है पी क्यू की लेंथ कितनी है बारह ओके okay. तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फाइंड आउट द थर्ड साइड ठीक है पहले तीसरी साइड निकाल लो अगर आपको दो साइड्स दे रखी हैं तो तीसरी साइड निकाल लो अब अगर तीन साइड्स दे रखी है तो वेल एंड गुड लेकिन अगर आपको दो साइड्स दे रखी है ट्राइंगल की जैसे कि ये और ये पी क्यू और पी आर दे रखिए क्यू आर हमको नहीं पता है तो हम निकाल सकते हैं कैसे पाइथागोरस तो थ्योरम से तो पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा पी आर का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर ठीक है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर ठीक है पी क्यू का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा पी आर का स्क्वायर हो जाएगा थर्टीन का स्क्वायर थर्टीन का स्क्वायर होता है वन सिक्सटी नाइन ठीक है थर्टीन का स्क्वायर होता है वन सिक्सटी नाइन इज टू ठीक है इज इक्ल टू पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर कितना है मतलब ट्वेल्व का स्क्वायर करेंगे पी क्यू की लेंथ कितनी है ट्वेल्व है ना ये ट्वेल्व है यहाँ पर ट्वेल्व लिखा हुआ है ठीक है ट्वेल्व है ट्वेल्व का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन फोर्टी फोर बड़ा ही आसान आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्लस क्यू आर का स्क्वायर ठीक है प्लस क्यू आर का स्क्वायर अब क्यू आ का स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे क्यू आर की लेंथ कितनी वो पता नहीं है मुझे वो पता नहीं है पेन लैग हो गया है यहाँ पर पेन बहुत लैग हो रहा है ठीक है वन फॉर्टी फोर को मैं एरेजेस में ले जाऊँ तो ये हो जाएगा वन सिक्सटी नाइन माइनस वन फोर्टी फोर ये बराबर आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर के ठीक है ये बराबर आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर के अमेजिंग कोई दिक्कत नहीं है ठीक है वन सिक्सटी नाइन माइनस वन फोर्टी फोर कितना होता है वो होता है ट्वेंटी फाइव वो होता है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इजिकल्स टू क्यू आर स्क्वायर तो क्यू आर कितना आ जाएगा अब माइनस फाइव तो होगा नहीं ना प्लस माइनस फाइव आएगा आंसर माइनस फाइव तो होगा नहीं क्यू आर हो जाएगा रूट ट्वेंटी फाइव क्यू आर की लेंथ कितनी हो जाएगी पाँच हो जाएगी या हूँ हमने जो हमारा थर्ड साइड है उस थर्ड साइड की जो लेंथ है वो भी निकाल दी है जो कि है पाँच सेंटीमीटर अब कोई दिक्कत आएगी मुझे कुछ फाइंड आउट करने में देख लेते हैं टेन पी माइनस कॉट बोला है तो पहले तो हम टेन पी और कॉटर की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं रेशियोज निकाल लेते हैं टेन पी हो जाएगा क्यू आर बाय ट्वेल्व ठीक है टेन पी हो जाएगा क्यू आर बाय ट्वेल्व ठीक है अभी क्यू आर की लेंथ पता चल गई मुझे कितनी है पांच है तो ये हो जाएगा पांच पॉइंट बारह पांच पॉइंट बारह कॉट आर की बात करते हैं ठीक है कॉट आर की बात करते हैं अब तो मुझे रेशियो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे पास में सारी साइड आ चुकी है कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर ओके तो कॉट आर एंगल आर के अकॉर्डिंग बेस कितना है क्यू आर है ठीक है और एंगल आर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू है पी क्यू है तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू ठीक है क्यू आर अपॉन पी क्यू क्यू आर पाँच है पी क्यू कितना है बारह है ओहो टेन पी जो है वो भी फाइव बाय ट्वेल्व आया कॉट आर जो है वो भी फाइव बाय ट्वेल्व आया ओके okay. अब हम दोनों को हम, हमको इन दोनों को माइनस करना है तो टेन पी की वैल्यू कितनी है फाइव बाय ट्वेल्व ठीक है कॉट आर की वैल्यू कितनी आई फाइव बाय ट्वेल्व अगर मैं दोनों को सेप्ट्रेड करूंगा तो आंसर कितना आएगा टू आएगा ना टू <laughs> नहीं आएगा फोर आएगा फोर भी नहीं आएगा ऑफकोर्स जीरो आएगा ये हो गया क्वेश्चन खत्म मतलब क्वेश्चन को करने का अप्रोच आप देखो अप्रोच आप समझो सीधी सी बात है आपको पहले तो ये ट्राइंगल अगर दिया हुआ है कोई भी तो ट्राइंगल की पहले तो तीनों साइड्स निकाल लेना ठीक है ट्राइंगल की तो पहले तीनों की तीनों साइड्स निकाल लेना ठीक है जैसे आपने तीन साइड्स निकाल ली फिर आपने देखना है कि आपको क्वेश्चन के अंदर रेशियो क्या दिया हुआ है यहां पर आपको टेन पी माइनस कॉट आर ये निकालना था ठीक है टेन पी माइनस कॉटर ये निकालना था तो पहले हमने टेन पी निकाल लिया फिर हमने कॉट आर निकाल लिया और फिर जो हमको इक्वेशन दी हुई थी उसमें पुट करके सब टाइड कर दिया तो आंसर मेरा निकल गया ठीक है कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी नहीं आंसर कितना आया आंसर आया जीरो तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए स्लाइड छोड़ी थी बट मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पिछली स्लाइड में दे दिया क्या किया हमने तीसरी साइड निकाल ली आई पाँच फिर लिख दिया टेन पी वो आया फाइव बाय ट्वेल्व कॉट आर लिख दिया वो भी आया फाइव बाय ट्वेल्व आंसर आ गया जीरो ठीक है आंसर आ जाएगा जीरो ग्रेट ऑल राइट ऑल राइट हमने रेशियोज की बात कर ली है अब हम बात करने वाले हैं सम स्पेसिफिक एंगल्स के रेशियोज़ को लेकर ठीक है हम ये जानते हैं और हमने चैप्टर पढ़ रखा है तो हम ये चीज़ अच्छे से जानते हैं और अगर आप नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जैसे कि जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइन्टी डिग्री जिनके लिए ठीक है जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वह डिफाइंड होते हैं यानी कि अगर मैं बोलता हूँ ना साइन थीटा या फिर साइन ए इज इक्ल्स ठीक है तो साइन थर्टी जो होता है ना साइन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टेबल के अंदर साइन थर्टी जो होता है ठीक है वो वन बाय टू होता है और साइन थर्टी की वैल्यू वन बाय टू ही होती है ठीक है तो वो फिक्स्ड है ठीक है कुछ फिक्स्ड वैल्यूज है हमारे पास में अब ये टेबल को पढ़ना कैसे उसके बारे में बात कर लें देखो साइन ए अगर ए जीरो डिग्री हो गया यानी कि ऑफकोर्स एंगल ए जो है ए, ए क्या है एंगल है ना ए एंगल है राइट ए एंगल है ठीक है तो अब इस एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है दो डिग्री चार डिग्री पाँच डिग्री दस डिग्री तो यहां पर मैंने क्या किया इस एंगल ए की जगह पे जीरो पुट कर दिया ठीक है तो साइन जीरो ठीक है साइन जीरो डिग्री कितना हो जाता है वो हो जाता है जीरो यहां पर देख सकता हूं मैं साइन ज़ीरो जीरो अमेजिंग ग्रेट क्या बात है ठीक है इसके साथ साथ ठीक है इसके साथ इसके साथ अगर मैं साइन ए की जगह पर साइन ए की जगह पर थर्टी डिग्री पुट कर देता हूँ स... मतलब ए की जगह पर अगर मैं थर्टी पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आएगा ये रहा वन बाय टू कितना आंसर हो जाएगा वन बाय टू हो जाएगा ठीक है सिमिलरली अगर मैं साइन ए में ए की जगह पे फोर्टी फाइव पुट कर देता हूं तो साइन फोर्टी फाइव कितना जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री एंड नाइन्टी डिग्री इन सारे एंगल्स के लिए रेशियोज वैल्यूज हैं वो डिफाइंड है अब एक और फन फैक्ट मैं बताता हूं कि आपको ठीक है आपको इस पूरे टेबल में सिर्फ ये दो जो रोज हैं वो याद करनी है एक ये वाली साइने वाली और एक टाइने वाली बाकी सारी की सारी रोज आप खुद बना सकते हो कैसे बताता हूँ देखो साइन जीरो होता है जीरो साइन थर्टी होता है वन बाय टू साइन फोर्टी फाइव होता है वन बाय रूट टू साइन सिक्सटी होता है थ्री रूट थ्री बाय टू इधर आना चाहिए था और ये इधर आ गया ठीक है साइन नाइन्टी होता है वन ठीक है अमेजिंग अब कॉस का देख लेते हैं एक बार कॉस जीरो कितना होता है वन होता है ठीक है कॉस थर्टी कितना होता है रूट थ्री बाय टू होता है कॉस फोर्टी फाइव कितना होता है वन बाय रूट टू होता है कॉस सिक्सटी कितना होता है वन बाय टू होता है और कॉस नाइन्टी कितना होता है जीरो होता है ओके okay. अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है जीरो वन बाय टू ये वाली लाइन में ठीक है ये पूरी लाइन पढ़ रहा हूँ मैं जीरो वन बाय टू वन बाय रूट टू ठीक है वन बाय रूट टू रूट थ्री बाय टू वन ठीक है दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है वन रूट थ्री बाय टू ठीक है वन बाय रूट टू वन बाय टू ज़ीरो क्या मैं एक चीज़ यहां पर नोटिस कर सकता हूं जो लाइन यहां पर सीधी थी सेम टू सेम उसी लाइन को पलटा के सेकेंड रो में लिख दिया गया है यहाँ पर है जीरो वन बाय टू वन बाय रूट टू रूट थ्री बाय टू वन ठीक है अब अगर मैं उल्टे से गिनती स्टार्ट करता हूं ठीक है तो वो हो जाएगा वन रूट थ्री बाय टू वन बाय रूट टू वन बाय टू जीरो यानी कि जो पहली रो जो हमारी ये पहली पूरी की पूरी रो थी अगर उसको पूरा पलटा दिया जाए उसकी अगर हम कह सकते हैं कि मिरर इमेज ले ली जाए कह सकते हैं छोड़ो ठीक है अगर आप उस पूरी रो को पलटा दें अगर उस पूरी रो को ऐसी रो है तो उसको अगर ऐसा कर दें ठीक है तो आपको कॉज के सारे के सारे जो एंगल के वैल्यूज़ हैं वो मिल जाएंगी ठीक है तो कितना आसान है बस पहली वाली याद करनी है साइन के याद करने क्या होते हैं ज़ीरो वन बाय टू वन बाय रूट टू रूट थ्री बाय टू वन अब अगर मुझे कोई कॉज की पूरी लाइन पूछ ले तो मैं साइन की लाइन को उल्टा कर दूंगा मैं बोलूंगा कि वन रूट थ्री बाई टू वन बाय रूट टू वन बाय टू जीरो बात खत्म ठीक है बात खत्म अमेजिंग क्या बात है तो पहली रो और दूसरी रो तो ऐसी हो गई अगर पहली रो पता है तो दूसरी रो जो है वो मैं उस रो को उस पूरी की पूरी लाइन को उल्टा करके लिख सकता हूँ अमेजिंग अब टैन की बात कर लेते हैं ठीक है अब मुझे बस टैन की जो लाइन है वो याद रखनी है अगर मैंने साइन और टैन की लाइन याद रख ली तो कॉस तो मैं साइन को उल्टा करके लिख सकता हूँ अब कॉट जो होता है कॉट होता है टैन का ऐसी तो अगर मेरे पास में अगर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ टैन थर्टी जो है अगर टैन थर्टी की वैल्यू वन बाय रोट थ्री है तो सोचो कॉट थर्टी की वैल्यू कितनी होगी रूट थ्री हो जाएगी नहीं हो जाएगी उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा उसका जस्ट रेसी हो जाएगा तो देखो यहाँ पर टेन थर्टी वन बाय रूट थ्री और कॉट थर्टी कितना दिया हुआ है रूट थ्री दिया हुआ है इसका मतलब जस्ट रेसीप्रोकल जस्ट उल्टा सिमिलरली टेन फोर्टी फाइव वन ठीक है अब कॉट फोर्टी फाइव भी वन ही रहेगा क्योंकि वन का उल्टा क्या हो जाएगा वन का उल्टा तो वन ही होगा ना ग्रेट कॉट सिक्सटी टेन सिक्सटी की बात करते हैं टेन सिक्सटी कितना दिया हुआ है रूट थ्री अगर टेन सिक्सटी रूट थ्री है तो मेरा सेंस मुझे यह कहता है कि कॉट सिक्सटी वन बाय रूट थ्री होगा अब मैं मे, अब मैं मेरे सेंस से टेबल को चेक कर लेता हूँ तो कॉट सिक्सटी कितना है वन बाय रूट थ्री क्या बात क्या बात आगे बात समझ में सिमिलर रही अब ये नॉट डिफाइंड क्यों लिखा है वो बताता हूँ मैं सेक ए सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है कॉस जीरो जीरो सेक जीरो वन सॉरी कॉस जीरो वन सेक जीरो वन मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा सॉरी कॉस जीरो वन ये रहा और सेक जीरो भी वन क्यों वन क्योंकि वन का रेसिप्रोकल क्या होता है वन ही होता है अमेजिंग टी कॉस थर्टी ठीक है कॉस्ट थर्टी कितना है रूट थ्री बाय टू है अगर कॉस थर्टी रूट थ्री बाय टू है तो मेरा दिमाग अब मुझसे ये कहने लगा है ठीक है कि सेक थर्टी कितना हो जाएगा टू बाय थ्री हो जाएगा सेक थर्टी कितना हो जाएगा टू बाय थ्री हो जाएगा देख लेते हैं ये रहा सेक ये रहा थर्टी इस लाइन में मुझे नीचे जाना है सेक की लाइन में ये रहा टू बाय थ्री क्या बात है मतलब साइन पता है तो कॉस वैसे ही पता चल जाएगा टेन पता है तो कॉट वैसे ही पता चल जाएगा साइन पता है तो कॉसेक वैसे ही पता चल जाएगा और कॉस पता है तो सेक ही पता चल जाएगा मतलब कि बस साइन वाली लाइन याद कर लेंगे कॉस के लिए उल्टा कर देंगे टेन वाली लाइन याद कर लेंगे फिर बात खत्म साइन का ऐसी प्रोकल कॉसैक तो साइन जीरो की वैल्यू अगर जीरो है देखो मैं बताता हूँ साइन जीरो की वैल्यू कितनी है जीरो है कॉसिक जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसका जस्ट उल्टा वन बाय ज़ीरो लेकिन हम जानते हैं कि वन बाय ज़ीरो जो होता है ठीक है वन बाय जीरो जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है वन बाय जीरो जैसी कोई चीज ही नहीं होती है ठीक है तो वन बाय जीरो कितना हो जाएगा एनडी नॉट डिफाइंड यहाँ पर मैं देख सकता हूँ इसलिए नॉट डिफाइंड लिखा है सिमिलरली ये जो नॉट डिफाइंड लिखा है ये जो नॉट डिफाइंड लिखा है और ये जो नॉट डिफाइंड लिखा है इन तीनों के कारण भी सेम है क्योंकि जब आप सोचो ना यार सोचो जब टेन जीरो जीरो है टेन जीरो ज़ीरो है और आप इसका रेसिप्रोकल कर रहे हो इसका आप रेसिप्रोकल कर रहे हो जो कि कॉट ज़ीरो हो जाएगा कितना हो जाएगा वो वन बाय जीरो अब वन बाय ज़ीरो तो नॉट डिफाइंड होगा सिमिलरली यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि कैसे आसानी से अगर आपको साइन के सारे रेशियोज़ पता है तो आप कॉज के रेशियोज उल्टे करके लिख सकते हो और अगर आपको टैन के रेशियोज पता है तो आप बाकी कॉट के लिख सकते हो अब अगर आप अब, अब, आप, अब आपको साइन से कॉज का पता चल गया तो आपको साइन से कॉसिक का पता चल जाएगा कॉज का पता चल गया है तो सेक का पता चल जाएगा और टैन का पता है तो कॉट का पता चल जाएगा ग्रेट अब हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ठीक है ये जो आपका एक टॉपिक है आपके बुक में से आपकी एक्सरसाइज इसे हटा दी गई है ठीक है लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हायर क्लासेस में बहुत काम आता है हायर क्लासेस में बहुत काम आता है बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्विकली हम कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है मुझे बताओ साइन ए साइन ए कितना है बी सी बाई ए सी है क्यों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डायरेक्टली मैंने लिख दिया ठीक है अमेजिंग यहां पर मैं इसको छोड़ रहा हूं अभी ठीक है मुझे एक बात समझ में आ गई है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये तीनों कितने होंगे ये तीनों होंगे ना 180 डिग्री के बराबर ये हो जाएंगे 180 डिग्री के बराबर ग्रेट एंगल बी कितना है 90 है तो एंगल ए प्लस नाइन्टी प्लस एंगल सी ये हो जाएगा 180 के बराबर अगर मैं 90 को उधर ले जाऊंगा तो एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा 90 के बराबर यानी कि यानी कि एंगल ए और एंगल सी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है और यहाँ पर एंगल ए ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल सी इन दोनों का जो सम है इन दोनों का जो सम है वो आ रहा है नाइन्टी डिग्री कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं अमेजिंग ठीक है इसका मतलब एंगल सी और एंगल ए जो है वो नाइन्टी डिग्री दोनों का सम जो है वो नाइन्टी डिग्री ठीक है अब बात करते हैं ठीक है अब बात करते हैं साइन ए कितना हो जाएगा वापस से लिख रहा हूँ मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस बी सी अपॉन ई सी साइंस सी कितना हो जाएगा साइंस सी कितना हो जाएगा साइंस सी हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी क्यों क्यों क्योंकि क्योंकि सीधी सी बात है ठीक है सीधी सी बात है कि यहाँ पर साइंस uh, सी के लिए एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर साइड ये हाइपोटेनियस साइड है ठीक है ये दोनों एंगल्स की हमने बात कर ली अब जरा कुछ और बातें करते हैं ठीक है ये दोनों के बारे में हमने बात कर ली अब कुछ और बातें करते हैं साइन ए अगर बी सी बाय ए सी है ठीक है बी सी बाय ए सी है ओके okay. अब मैं बात करता हूं कॉस ए की कॉस ए की बात करें कॉस ए की बात करते हैं कॉस ए कितना हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी ठीक है कॉस ए हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी अमेजिंग कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ठीक है यह बात भी हमने कर ली ऑल राइट ऑल राइट अमेजिंग ग्रेट ओके अब जरा इस साइंस सी को देखना ध्यान से क्या मैं एंगल सी को 90 माइनस ए लिख सकता हूं अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ क्यों क्योंकि एंगल ए प्लस सी 90 के बराबर हैं ठीक है 90 के बराबर हैं ठीक है तो एंगल सी 90 माइनस ए नहीं हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा ठीक है तो मैंने साइन सी की जगह साइन 90 माइनस ए लिख दिया अमेजिंग अमेजिंग कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं ये आ गया ए बी के बराबर ए बी के बराबर साइन नाइन्टी माइनस आ गया ए बी के बराबर कॉस ए भी ए बी बाई ए सी के बराबर था तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि साइन नाइनटी माइनस ए क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि साइन नाइन्टी माइनस ए नाइन्टी माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या हम ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं क्यों क्योंकि पहली बात तो ये था साइन सी साइन सी को मैंने लिख दिया साइन नाइन्टी माइनस ए क्यों लिखा क्योंकि एंगल सी जो है बॉस वो नाइन्टी माइनस ए के बराबर है क्यों क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल सी नाइन्टी डिग्री है सिंपल सी बात है ये आठवीं नौवी क्लास का गणित है ओके तो मैंने क्या किया कि साइन नाइनटी माइनस ए को कॉल के बराबर लिख दिया क्योंकि दोनों के रेशियो सेम आ रहे थे ए बी वाई ए सी ए बी वाई ए सी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सिमिलरली अगर मैं टेन की बात करूंगा अगर मैं टेन की बात करूंगा तो टैन ए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी क्यों क्योंकि हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस की ठीक है टेन सी कितना हो जाएगा टेन सी की बात करूंगा तो सी के रिस्पेक्ट में यह परपेंडिकुलर साइड ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा ठीक है भाई साहब ये कॉस नाइन्टी माइनस ए को जो साइन नहीं क्यों लिखा है वो भी बताता हूँ मैं ठीक है अब अगर मैं बात करता हूँ अगर मैं किसकी बात करूँ तो अगर मैं कॉट ए की बात करता हूँ अगर मैं कॉट ए की बात करता हूँ तो कॉट ए कितना हो जाएगा बेस अपॉइन परपेंडिक्लर ए बी अपॉन बी सी राइट कोई दिक्कत ये रहा बेस ये रहा बेस परपेंडिक्लर अमेजिंग अमेजिंग ठीक है अमेजिंग क्या मैं टेन सी को वापस से वही वापस से वही खेल क्या मैं टेन सी को टेन नाइनटी माइनस ए लिख सकता हूं क्या मैं टेन नाइनटी माइनस ए लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं एंगल सी को नाइनटी माइनस ए लिख सकता हूं टेन नाइनटी माइनस ए किसके बराबर है ए बी बाई बी सी के बराबर है टेन नाइनटी माइनस ए AB ए बी बाई ए सी के बराबर है कॉट ए भी AB बाई बी सी के बराबर है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टेन टेन नाइनटी माइनस ए इक्वल्स टू कॉटे कोई दिक्कत कोई परेशानी आया है मजा आ गया इसका ये मतलब हो गया ठीक है इसका ये मतलब हो गया कि टेन नाइनटी माइनस ए जो है वो कॉटे के बराबर है सिमिलरली आप सेक नाइनटी माइनस से इजिक्वल्स टू कॉस ए भी निकाल सकते हैं अब यहाँ पर यार कॉस नाइन्टी माइनस से टू साइन ए के लिखा हुआ है क्योंकि आप जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं तो बेसिकली साइन नाइन्टी माइनस ए अगर कॉस ए के बराबर है ठीक है साइन नाइन्टी माइनस ए अगर कॉस ए इसके बराबर है तो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कॉस नाइन्टी माइनस ए जो है कॉस नाइन्टी माइनस ए जो है ये भी आपका साइन ए के बराबर होगा ठीक है ये भी आपका साइन ए के बराबर होगा सिमिलरली टेन नाइन्टी माइनस ए कॉट ए है तो कॉट नाइन्टी माइनस ए टेन ए होगा ठीक है अगर सेक नाइन्टी माइनस ए कॉसिक ए है तो कॉसिक नाइन्टी माइनस ए सेक ए होगा ठीक है ग्रेट कोई दिक्कत आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं साइन एटीन ठीक है साइन एटीन अपॉन कॉस सेवनटी टू कॉस टू ठीक है अगर मैं एक चीज़ ध्यान से देखता हूँ अगर मैं एक चीज़ ध्यान से देखता हूँ तो ऊपर लिखा है साइन एटीन क्या मैं साइन एटीन को साइन एटीन को साइन नाइन्टी माइनस सेवेंटी टू ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि सिंपल सी फैक्ट है ना ये ट्राइंगल है एक रफ डायग्राम में बना रहा हूँ ठीक है रफ डायग्राम में बना रहा हूँ ये है नाइन्टी डिग्री यह है नाइन्टी डिग्री यह है सेवेंटी टू और मान लेते कि यह है एटीन ठीक है यह एटीन अब अगर मुझे लिखना हो अगर मुझे लिखना हो तो मैं 90 माइनस सेवेंटी टू इजीकल्स टू एटीन लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ तो मैंने किया क्या किया कि साइन 90 माइनस सेवेंटी टू साइन एटीन हो जाएगा नीचे तो कॉस सेवेंटी टू रहेगा कोई चेंजेस नहीं हुए कोई चेंजेस नहीं हुए अमेजिंग, अमेजिंग। ठीक है ग्रेट साइन नाइन्टी माइनस हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि साइन नाइन्टी माइनस ए अगर बन गया कहीं गलती से तो वो हो जाएगा कॉस ए के बराबर ठीक है सिमिलरली यहाँ पर साइन 90 माइनस सेवेंटी बन चुका है इस ए की जगह पे कौन सा एंगल है 72 डिग्री तो क्या ये कॉस 72 के बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए साइन 90 माइनस सेवेंटी टू इक्वल्स टू कॉस सेवेंटी अगर साइन 90 माइनस सिक्सटी होता तो कॉस सिक्सटी हो जाता अगर साइन नाइन्टी माइनस होता तो कॉस फिफ्टी हो जाता अगर साइन नाइन्टी माइनस भी होता तो भी कॉस एट्टी हो जाता ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस सेवेंटी अपॉन सेवेंटी टू कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं दोनों जाएंगे कैंसिल आंसर आएगा वन टिक मार दिया ओके आंसर आ गया वन ओके कोई दिक्कत आंसर आ गया वन अमेजिंग तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहते अगर हम चाहते तो इस कॉस को ठीक है इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते थे जैसे कि यहाँ पर साइन एटीन लिखा हुआ है उसको वैसे ही रहने देते हैं ठीक है और कॉस्ट सेवेंटी को हम लिख देते हैं कॉस्ट नाइन्टी माइनस एटीन जैसे साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है वैसे ही कॉस 90 माइनस ए भी साइन ही होता है तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाता साइन एटीन अपॉन साइन एटीन वन हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आंसर आएगा वन ग्रेट आ रही बात समझ में आ रही बाई समझ में अमेजिंग अमेजिंग ओके आंसर क्या आया वन आया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बातें करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं देखो ये तीन आइडेंटिटीज़ हमें पढ़नी होती है कौन सी कौन सी कॉ स्क्वयर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन व्लस टाइन स्क्वायोयर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वेयर थीटा और वन प्लस कॉ स्क्वर थीटा इज इक्वल्स टू कॉ सेक्स स्क्वयर थीटा आइडेंटिटीज़ के बारे में क्या लिखा है वो देख लें एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ़ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स इन्वॉल्व यानी कि ये आइडेंटिटीज़ में ये जो थीटा है इस थीटा की जगह मैं कुछ भी पुट कर दूं आंसर वन ही आना चाहिए ठीक है थीके? तब जाके हम इसे आइडेंटिटी बुलाएंगे ठीक है तब जाके इसे हम आइडेंटिटी बुलाएंगे और ये फाइंड आउट किया गया कि हाँ ये बात सही है तभी इन्हें आइडेंटिटी बोला जाता है ठीक है अब इनका प्रूफ आ, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम बात कर लेंगे यह है तीन ये है ट्रायंगल यह नाइन्टी डिग्री है यह है ए यह है सी एज यूजल यह है बी नाइन्टी डिग्री है ओके ऑल राइट मैं एक चीज़ जानता हूँ कि अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ ठीक है तो वो हो जाएगा ए सी इज़ इजिक्वल्स टू ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं ओके okay. अमेजिंग लेकिन ये तो सिर्फ एक इक्वेशन है मुझे इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो मुझे किसी तो भी वैल्यू से डिवाइड मारना पड़ेगा ये रेशियो होता है ये रेशियो थोड़ी ना है ये तो टू लिखा हुआ है ये रेशियो है टू बाय थ्री एक रेशियो है सिमिलरली एक्स अपॉन वाई एक रेशियो है ऐसे रेशियोज़ होते हैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस डोंट कोट मी ऑन दिस ओके बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती रेशियोज़ के अंदर भी और राइट right. तो ये एक इक्वेशन है अगर मैं इसे कोई वैल्यू से डिवाइड मार दूँ तो ये एक रेशियो बन जाएगा तो मैं एक काम करता हूँ पूरी इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ किससे डिवाइड करूँगा ए सी स्क्वायर से डिवाइड करूँगा ठीक है तो इस इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया डिवाइड द इक्वेशन बाय ठीक है डिवाइड द इक्वेशन बाय ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर कोई परेशानी कोई भी दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ए सी स्क्र से लिख रहा हूं ऊपर भी स्क्वायर है है नीचे भी स्क्वायर अगर ऐसा कहीं लिखा होता है टू तो हम क्या करते हैं या तो हम उसको पूरा सॉल्व कर देंगे फोर बाय नाइन लिख देंगे लेकिन हमको पता नहीं ना ए बी स्क्र क्या होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं टू बाई थ्री का स्क्वायर मैंने यहां पर भी ऐसे ही किया ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर था दोनों में स्क्वायर लगा था तो दोनों के ऊपर मैंने ब्रैकेट लगा दिया ऐसे और ऊपर स्क्वायर लगा दिया प्लस यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ये ए सी है ये बी सी नहीं AC है ए सी है बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर कुछ ऐसा हो जाएगा ये ओके okay. अब अगर मैं ध्यान से देखता हूँ ठीक है अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि इस एंगल ए के अकॉर्डिंग इस एंगल ए के अकॉर्डिंग कॉस ए कितना हो जाएगा कॉस ए कितना हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटीनियस ओके okay. और साइन ए कितना हो जाएगा साइन ए कितना हो जाएगा बी सी अपन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हैपोटीनियस है इसका क्या मतलब हो सकता है सर हैं तो देखो यहां पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूं अभी मैं यहां पर एक धीरे धीरे चीज़ नोटिस कर रहा हूं कि बस कॉस ए जो है वो ए बी बाई ए सी है साइन ए जो है वो बी सी बाई ए सी है आपने इसमें क्या नया बताया बता रहा हूं बता रहा हूं यहां पर ए बी बाई ए सी लिखा हुआ है यहां पर भी ए बी बाई ए सी लिखा हुआ है ए बी बाई ए सी बराबर है कॉस ए के तो क्या मैं ए बी बाई ए सी की जगह पर कॉस ए लिख सकता हूँ? ठीक है लिख देता हूँ। वन इज इक्वल टू कॉस ए क्यों लिखा क्योंकि ए बी बाई ए सी जो है वो कॉस ए के बराबर था तो मैंने कॉस ए लिख दिया वहाँ पर सिंपल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी बी सी बाई ए सी जो है जस्टो सेकेंड जस्ट टू सेकेंड ओके बी सी बाई ए सी जो है जो हमारा बी सी बाई ए सी है क्या मैं उसको साइन ए लिख सकता हूं क्योंकि यहां पर हमने देखा ना साइन ए के बराबर है तो मैंने यहां पर लिख दिया साइन ए का स्क्वायर ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ओके okay. ऐसे जब भी हम लिखते हैं यानी कि हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी आ, टर्म के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं तो हम क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं उसको कॉस इसके ऊपर स्क्वायर और ए प्लस साइन साइन के ऊपर स्क्वायर और एग्जाया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिक्वल टू वन क्या ये मेरी पहली आइडेंटिटी थी बिल्कुल थी हमने क्या किया हमने कुछ नहीं किया भाई साहब हमने सिर्फ इस ट्राइंगल के अंदर है इस ट्राइंगल के अंदर हमने लगा दिया पायथोकोरस थ्योरम सॉरी हमने इसके अंदर लगा दिया पायथोकोस थ्योरम जैसे ही हमने पाथोको थ्योरम लगाया पी लगाया क्या हुआ हमारे पास में ये आ गया है ना हमारे पास में ये आ गया अब हम यार जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करते हैं तो हम रेशियोज की बात करते हैं तो मैंने क्या किया यार सबको ए सी स्क्वायर से डिवाइड मार दिया क्यों डिवाइड मार दिया क्योंकि मुझे एक रेशियो की जरूरत थी मैंने डिवाइड मार दिया ठीक है अब आपने ए बी स्क्वायर से डिवाइड क्यों नहीं मारा आपने बी सी स्क्वायर से डिवाइड क्यों नहीं मारा उससे भी डिवाइड मारने की आ देखते हैं ठीक है डिवाइड करने के बाद में कुछ कुछ ऐसा आया और उसकी जगह पे हमने कॉस और साइन पुट कर दिया क्योंकि रेशियोज जो है वो कॉस और साइन के बराबर आते हैं आमेज है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ग्रेट ग्रेट ओके ऑल राइट ये तो हमने बात कर ली पहली आइडेंटिटी की ठीक है अब अगर मुझे सेकेंड आइडेंटिटी की बात करनी है ठीक है तो एक काम करते हैं हो जाएगा ए ये हो जाएगा बी ये हो जाएगा सी ठीक है अगेन ए सी स्क्वायर इजिक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अब एक बार आप सब लोग इस रेशियो को एक बार आप बी सी स्क्वायर से डिवाइड मारना क्योंकि वह ट्राइंगल की एक साइड है ठीक है बी सी स्क्वायर से डिवाइड मारना और एक बार आप इस इक्वेशन को एक बार आप इस सेम टू सेम इक्वेशन को ए बी स्क्वायर से डिवाइड मारना ए बी AB ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर आपके पास में दोनों ही सॉल्व करते समय ये बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे सिमिलरली आप ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे ठीक है वन आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी इस एंगल ए के अकॉर्डिंग देखना कि ए सी अपॉन ए बी क्या है ए सी अपॉन ए बी क्या होगा सेक हो जाएगा क्योंकि ये अपॉन बेस की बात हो रही है तो इसकी जगह आ जाएगा सेक ठीक है बी सी बाई ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी बात होगी कि टैन की इसके जगह आ जाएगा टैन बस एक्वयर थी टाइज प्लस टेन स्क्वायर थी मैंने जल्दी जल्दी में बताया क्योंकि अगर आपने ये पहला सॉल्व कर लिया अगर आपने पहला प्रूव कर दिया तो आप दूसरा और तीसरा बड़ी ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं ठीक है अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो मैंने इसको समझा रखा है आपके ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में तो आप वहाँ पर जो है ठीक है वहाँ पर बिल्कुल से चेकआउट कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर यार हमारा इंट्रोडक्शन तो टू ड्रिग्नोमेट्री हो चुका है फिनिश देखा आप लोगों ने कितनी जल्दी फिनिश कर दिया है कितनी जल्दी फिनिश कर दिया पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया सारे कॉन्सेप्ट फिनिश कर दिए कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए ठीक है रिकैप देख लेंगे कुछ नहीं है साइन और कॉस की बात की हमने साइन कॉस टेन के रेशियोज की बात की ठीक है साइन कॉस और टैन के रेशियोज़ की हम लोगों ने बात की फिर हम लोगों ने बात की कि पर्टिकुलर एंगल के लिए पर्टिकुलर एंगल के लिए वैल्यूज कितनी होती है ठीक है वो बात कर ली फिर हमने बात कर ली कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है ओके okay? हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की भी बात की जो कि हटा दिया जा चुका है बट फिर भी हम लोगों ने बात कर ली है ठीक है हमने कॉम्प्लीमेंट्री ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की भी बात कर ली अमेजिंग ग्रेट खत्म हो गया चैप्टर अब आगे बढ़ेंगे हम सम सम्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर ठीक है और ये बस छोटा सा पोजन है फिर चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म तो हमारा दोनों का दोनों चैप्टर का रिविजन कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा ओके हाइट्स एंड डिस्टेंसेज ठीक है इसकी बात कर देते हैं आपके सामने यार एक बिल्डिंग है आप यहाँ पर खड़े हो दिस इज बंटी ओके okay. ये ग्राउंड है ठीक है ग्राउंड है ओके बंटी को इस बिल्डिंग का टॉप वाला पॉइंट देखना है ठीक है बंटी को इस बिल्डिंग का टॉप वाला पॉइंट देखना सबसे पहली बात तो ऐसी कि उसको अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी ठीक है फिर ऑफ कोर्स वो देखेगा तो आंखों से ना उसे कौन सा पॉइंट देखना है टॉप पॉइंट देखना है. तो मैं एक काम करता हूँ कि बंटी की आंखों से लेकर दो इस टॉप पॉइंट तक एक लाइन बना देता हूँ क्योंकि वो देख अपनी आंखों से रहा है ठीक है ये इधर नहीं जाएगा बस इधर तक है ठीक है देख अपनी आंखों से रहा है और टॉप पॉइंट को देख रहा है ठीक है ओके okay, ग्रेट अब ये जो लाइन होती है ठीक है ये जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट ओके अमेजिंग ग्रेट ग्रेट ठीक है अब एक बात सोचो अब एक बात सोचो कि बंटी सामने देख रहा था बंटी सामने से अब ऊपर देख रहा है तो कोई ना कोई एंगल बंटी बना रहा है ये हॉरिजॉन्टल है ठीक है ये हॉरिजॉन्टल है हॉरिजॉन्टल क्या होगा हॉरिजॉन्टल क्या होगा भाई जो उसके जस्ट सामने जो लाइन बनेगी एक ठीक है उसके जस्ट सामने एक लाइन बनेगी ग्राउंड से पैरल उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल ठीक है उसे हम कहेंगे हॉरीजोंटल ऑलरेडी right. अगर मान लो कि बंटी बिल्डिंग पे खड़ा होता ये बिल्डिंग है ठीक है बंटी यहाँ पर खड़ा होता ठीक है और यहाँ से अगर बंटी इस पॉइंट को देखता दूसरी वाली बिल्डिंग के पॉइंट को देखता तो भी लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसी जाती क्योंकि तो उसको उसको ऑफकोर्स ऐसा देखना पड़ेगा और उसकी आंखों से हम लोग वो बिल्डिंग के टॉप पॉइंट का एक लाइन बनाएंगे हॉरिजॉन्टल इसके जस्ट सामने हो जाएगा ठीक है ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल यहां पर होगा हॉरिजॉन्टल इसके जस्ट सामने हो जाएगा यहां पर ठीक है ये बात हम लोगों ने करनी ठीक है अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या हो जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल होता है जो कि लाइन ऑफ साइट बनाती है हॉरिजॉन्टल से मतलब आप सोचो ना एक इंसान सामने देख रहा था और वो ऊपर देखने लग गया ऐसे टॉप पॉइंट पर तो वो सामने पहले देख रहा था ठीक है वो पहले सामने देख रहा था वो सामने देखने के बाद में उसने ऊपर देखना स्टार्ट किया तो पहले वो कुछ ऐसे देख रहा था ठीक है अब धीरे 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 वो ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है यहाँ पे इस पॉइंट को देख रहा है तो सोचो ना ऐसे ऐसे देख रहा था अब वो अपनी जो लाइन ऑफ साइट है यानी कि अब जब वो देख रहा है तो वो कुछ ऐसे देख रहा है ठीक है वो कुछ ऐसे देख रहा है तो कुछ एंगल बनेगा नहीं बनेगा इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन ठीक है इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन पहले वो स्ट्रेट मान लो कि पहले वो स्ट्रेट देख रहा था उसके बाद उसने ऊपर देखना स्टार्ट किया तो पहले वो देख तो ऐसे रहा था लेकिन अब वो ऊपर देख रहा है तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा सिमिलरली ठीक है सिमिलरली आगे बात करते हैं डिप्रेशन क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ठीक है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहना चाहता है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं ओके अमेजिंग ठीक है हमने बात कर ली लाइन ऑफ साइट क्या होता है भाई आंखों से लेकर तो उस पॉइंट तक जो हमारी लाइन बन रही है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है हॉरिजोंटल ये हो गया हॉरिजोंटल ये हो गया हॉरिजोंटल ठीक है ये हो गया हॉरिजोंटल ओके हॉरिजोंटल से हॉरिजोंटल से लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाएगी ये हॉजोंटल है ये लाइन ऑफ साइट है ठीक है ये लाइन ऑफ साइट है यहाँ पर बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन अमेजिंग ठीक है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की ठीक है देखो अगर कोई इंसान इस बिल्डिंग के यहाँ पर खड़ा हुआ है ठीक है और उसे नीचे ओके ज़्यादा बड़ा बन गया ओके यहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ है ठीक है उसे यहाँ पर नीचे कार देखनी है ठीक है तो उसे ऊपर से नीचे देखना पड़ेगा तो पहली बात तो वो ऊपर से अब नीचे देख रहा है उस इंसान की हॉरिजॉन्टल लेवल उस इंसान की हॉरिजॉन्टल लेवल ये थी उसके जस्ट सामने वाली अब वो ऊपर से नीचे देख रहा है यानी कि उसकी हॉरिजॉन्टल लेवल से अब वो नीचे देख रहा है तो कुछ हॉरिजॉन्टल लेवल से ऐसा एंगल बना के वो नीचे देखेगा पहले सामने देख रहा था अब नीचे देख रहा है ठीक है मतलब पहले सामने देख रहा था अब वो नीचे देख रहा है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ठीक है उससे अब वो नीचे देख रहा है तो ये लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसी बनेगी हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे बनेगी क्यों क्योंकि अब वो नीचे देख रहा है इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन इस एंगल को क्या बोला जाता है इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन अमेजिंग ठीक है ग्रेट कोई परेशानी नहीं कोई दिक्कत नहीं ओके एक चीज़ नोटिस की आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि अगर कोई इंसान ऊपर देख रहा है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल है ठीक है अगर कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है यहाँ पर खड़ा है और वो ऊपर देख रहा है उसके हॉरिजॉन्टल लेवल के जस्ट ऊपर देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट ऐसी होगी ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन अगर वही सेम टाइम पर इंसान नीचे देखता है ठीक है ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और अगर कोई इंसान नीचे देख रहा है नीचे के साइड पे तो उसकी लाइन ऑफ साइड कुछ ऐसी बनेगी है ना तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन डिप्रेशन क्यों क्योंकि हम अब हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे जा रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल से अब ऊपर जा रहे हैं ओके एंगल ऑफ डिप्रेशन अमेजिंग कोई दिक्कत ये हो गया हमारा क्वेश्चन ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ओके क्वेश्चन की बात करते हैं अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं पूरा समझ में आ जाएगा अ टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड ये टॉवर है ठीक है ये टॉवर है कुछ ऐसा टॉवर मान लेते हैं ये मोबाइल का टावर है ठीक है कभी टावर आते ही नहीं है ओके फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ फिफ्टीन मीटर अवे हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपके राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे और आपको वही घिसा पिटा ट्रिग्नोमेट्री वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना है बताता हूँ कैसे इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो और अब इसको देखना ठीक है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज फिफ्टीन मीटर अवे फ्रॉम द फूट ऑफ द टावर ये रहा फूट ऑफ द टावर यहाँ से पंद्रह मीटर का यहाँ पे हो जाएगा अब हम मेजर तो कर नहीं सकते तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ पंद्रह मीटर यहाँ पे है ठीक है तो ये जो डिस्टेंस है ये पंद्रह मीटर है ठीक है ओके ओके ठीक है अमेजिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ द टॉवर टॉवर का टॉप ये है मान लेते हैं ठीक है द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टॉवर इज फाउंड टू बी सिक्सटी डिग्री यहां से अब हॉरिजॉन्टल लेवल कौन सी यही horizontal level है यही हॉरिजॉन्टल लेवल है एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं तो इससे ऊपर होगा तो ये ये लाइन ऑफ साइट होगी ये लाइन ऑफ साइट होगी क्यों क्यों होगी क्योंकि अब हम, अब हम हम इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की साइड टॉवर के टॉप पे देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा और वो कितना दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है सिक्सटी डिग्री क्या मैं एक चीज नोटिस कर सकता हूं यहां पर एक ट्राइंगल बन चुका है ऐसा कुछ ट्राएंगल बनाए ऑफकोर्स टॉवर तो सीधा ही होगा ना टॉवर तो ऐसा आड़ा तिरछा तो टॉवर तो होगा नहीं तो नाइनटी डिग्री बनाएगा वो ग्रेट ट्राइंगल बन गया ट्राइंगल बन गया हमें क्या निकालना है हमें हाइट निकालनी है तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में बात करता हूँ तो मेरे पास में अगर मैं इसको ए मार्क कर देता हूँ इसको मैं मार्क कर देता हूँ बी और इसको मैं मार्क कर देता हूँ सी ठीक है मेरे पास में एंगल ए है सिक्सटी डिग्री मेरे पास में ए बी की लेंथ है भाई साहब जो कि है पंद्रह मीटर मुझे बी सी की लेंथ निकालनी है यानी कि मुझे हाइट ऑफ टॉवर निकालनी है क्या मैं निकाल सकता हूँ ऐसा कौन सा रेशियो होता है अब इस एंगल के अकॉर्डिंग ये तो परपेंडिकुलर है ना और ये पंद्रह मीटर बेस है ठीक है ऐसा कौन सा रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है टेन होता है टेन थीटा होता है है ना टेन थीटा होता है यानी कि अगर मैं टेन थीटा यहाँ पर लगा के कुछ जुगाड़ कर दूँ तो मेरे पास में बी आ जाएगा ठीक है टेन ए कितना हो जाएगा टेन ए हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी ग्रेट क्या बात है मजेदार ओके ए कितना है सिक्सटी डिग्री है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर जस्ट अ तो सेकेंड टेन सिक्सटी इजिक्वल टू ए सी बाई बी सी बाई ए बी है ना बी सी बाई ए बी टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री होती है यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं रूट थ्री फिजिकल्स टू हो जाएगा बी सी बाई ए बी बी सी पता है नहीं पता है निकालना है ए बी पता है पंद्रह ए बी पता है पंद्रह ग्रेट अमेजिंग ओके बी सी निकल जाएगा बी सी कितना हो जाएगा फिफ्टीन रूट थ्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा फिफ्टीन रूट थ्री मीटर ये फिफ्टीन को मैं इधर लेगा फिफ्टीन रूट थ्री मीटर हो गया फिफ्टीन रूट थ्री मीटर हो गया यानी कि इस हाइट इस टॉवर की हाइट कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी फिफ्टीन रूट थ्री मीटर कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी फिफ्टीन रूट थ्री मीटर एक बार मैं देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया है एक घंटा ग्यारह मिनट वन आवर एलेवन मिनट और हमने चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है समझ लो चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है ऑल राइट right. आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो क्या किया हमने सीधी सी बात थी ये थी हाइट ऑफ टावर इस पॉइंट पे इस पॉइंट से इस फुट का डिस्टेंस था पंद्रह मीटर हाइट हमें निकालनी थी एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता था सिक्सटी डिग्री क्या बात है बस टेन सिक्सटी लगा दिया हमने हमने टेन सिक्सटी लगा दिया वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है टेन सिक्सटी कितना होता है रूट थ्री होता है परपेंडिकुलर पता था नहीं पता था ये परपेंडिकुलर है स्लैश हाइट इसको हाइपोटेनस मत समझना हाइट ठीक है रूट थ्री इजिकल हो जाएगा पी बायिफ्टीन क्योंकि बेस हमें पता है फिफ्टीन रूट थ्री इजिकल हो जाएगा पी वही आंसर आ गया खत्म बात अमेजिंग इसकी बात कर लेते हैं इसकी बात कर लेते हैं ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप एक बार खुद से ट्राई करो क्योंकि

लेंथ आ गई थ्री पॉइंट सेवन मीटर हमसे पूछा गया है सबसे पहले तो कि ये लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए मतलब कि अगर मैं इस ट्रैंगल को ड्रॉ करता हूँ तो कुछ ऐसा ट्रैंगल है अब एक बार मैच करके देखते हैं टॉवर की हाइट मतलब इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मान लेते हैं कि ये डी है दिया हुआ है ये सी है ये बी है ठीक है इस पोल uh, की हाइट जहाँ तक उसे चढ़ना है वो कितनी है थ्री पॉइंट सेवन अभी देखा हमने पांच में से वन पॉइंट थ्री निकल गया ठीक है इस लैडर की लेंथ मतलब हाइपोटेनियस क्यों क्योंकि लैडर कुछ ऐसी लगी हुई है और और टॉवर के फूट से डिस्टेंस इस लैडर का बेस हो जाएगा बस सॉल्व कर देंगे एंगल कितना है सिक्सटी डिग्री है दो रेशियोस लगा देंगे एक टैन का लगा देंगे तो बेस निकल जाएगा एक बार हम निकाल देंगे साइन का तो हाइपोटेनियस निकल जाएगा हमेशा ऐसे हमें रेशियोज देखने होते हैं जिनमें हमें आंसर आ जाए अब जैसे कि यहां पर हमें बेस भी निकालना है हाइपोटेनस भी निकालना है बेस भी निकालना है, है और हाइपोटेनस भी निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से मैं बेस निकाल लूंगा परपेंडिकुलर दिया हुआ है अब बेस आ गया हाइपोटेनस आ गया बेस आ गया परपेंडिकुलर आ गया तो हाइपोटेनस तो मैं किससे भी निकाल सकता हूँ ओके इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ ठीक है इस क्वेश्चन की बात करता हूँ इस क्वेश्चन में क्या करना है इस क्वेश्चन में मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो चुका है ये ये जो लिखा हुआ है ना वो वो लिखा हुआ है टॉल बिल्डिंग ठीक है टॉल बिल्डिंग ओके इज़ थर्टी डिग्री इज़ थर्टी डिग्री राइट यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इसकी लेंथ निकालनी है पहले तो कैसे निकलेगी पहले तो ये पूरे की लेंथ हमें दी हुई है ठीक है पूरे की लेंथ हमें दी हुई है अगर हमने बिल्डिंग की लेंथ निकाल ली तो बिल्डिंग की लेंथ माइनस करके हम फ्लैग स्टाफ की लेंथ निकाल लेंगे ग्रेट दूसरा हमसे क्या पूछा गया है कि ये डिस्टेंस कितना है सेम लॉजिक है बस यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं एक है छोटा वाला ट्राइंगल है जिससे आपको बिल्डिंग की हाइट पता चल जाएगी है ना थर्टी डिग्री और एक ये बड़ा वाला एंगल है फोर्टी फाइव डिग्री जिससे कि आपको जिससे कि आपको अब आपको बेस जो है वो दोनों ही ट्राइंगल से मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको अगर इस फ्लैग स्टाफ की लेंथ निकालनी है जो कि इतना है और बची हुई बिल्डिंग है ठीक है तो आपको इसकी लेंथ पता है टेन मीटर दी हुई है ठीक है टेन मीटर दी हुई है ये निकाल लेंगे हम कोई मतलब नहीं वैसे तो बट हाँ निकाल लेंगे अगर निकालना हो तो बस और फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हो गया हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म ठीक है यहाँ पर हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म हमने क्या क्या बात की एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की हॉरिजॉन्टल से ऊपर अगर एंगल बन रहा है तो वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल से नीच अगर नीचे एंगल बन रहा है तो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ठीक है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वगैरह बात कर ली थी लास्ट चैप्टर की हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में भी बात कर ली जो कि हमें है नहीं ठीक है हमने रेशियोज की बात कर ली यहाँ पर कि रेशियोज़ क्या होते हैं साइन थर्टी साइन ट्वेंटी साइन फोर्टी फाइव सॉरी साइन जीरो ओके और राइट तो बस यार चैप्टर इज ओवर चैप्टर आपका खत्म हो चुका है पूरा का पूरा ठीक है आपका जो चैप्टर है इट इज फिनिश नाउ दिस वॉज लास्ट क्वेश्चन जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था एक ही क्वेश्चन है ठीक है ध्यान से देखो एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है ठीक है निकाल सकते हैं हम इसे पूरा कर लेना एक बार ठीक है इसे पूरा कर लेना ठीक है ये वाला क्वेश्चन भी निकालना और मुझे इसका आंसर जरूर से बताना तो ये दोनों क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किए थे आप देख सकते हो ये वाला जो क्वेश्चन है आप एक बार खुद से सॉल्व करोगे मैं यहाँ आप पर आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन एक बार खुद से करो ठीक है और इसका आंसर मुझे जरूर से नीचे बताना क्या होगा इसका आंसर मुझे जरूर से बताना क्या होगा नीचे ठीक है आप एक बार आंसर लिख देना नीचे और अगर नहीं होता है तो हम जिस दिन क्विज करेंगे इस चैप्टर की वापस है उस टाइम पर सॉल्व कर देंगे और राइट तो बस यार मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा वन शॉर्ट लेक्चर था ठीक है ओके वन शार्ट लेक्चर था वन शॉर्ट लेक्चर था लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर हमने दो चैप्टर्स कवर कर लिए इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री अब ये आपके टेस्ट के टाइम पे आपको बहुत काम आएगा और एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री चैप्टर देख लिया कॉन्सेप्ट समझ लिए दोनों ही चैप्टर्स के और हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए डिलीटेड पार्ट जो था उसके बारे में भी बात कर ली भाई साहब तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं ठीक है सो so बस यार आई होप कि आप सभी से लोग सेफ होंगे आ, बात करते हैं वापस से एक बार सब्सक्रिप्शन की तो मेरा कोड है ए पी जीरो वन मेरा जो कोड है वो है ए जीरो वन ये रहा आपको दिख सकता है यहाँ पर ओके अगर आप बहुत सीरियस है अपने क्लास नाइन टेंथ एलेवन ट्वेल्थ की प्रिपरेशन को लेकर और अगर आपको फाउंडेशन आई मीन आपको अगर एन के क्रैक करनी है और अगर आपको यू you नो know, ये प्लान्स लेने हैं प्लस वाले तो बहुत सारे प्लान्स हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लान्स देखने को मिलते हैं बट यहाँ पर ट्वेल्व मंथ्स और ट्वेंटी फोर मंथ्स वाले में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलता है और आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं वही काफ़ी नहीं था यहाँ पर अगर आप मेरा प्रोमो कोड ए पी जीरो वन यूज़ करेंगे ए पी जीरो वन स्क्रीन पर लिखा हुआ है तीन जगह ए पी जीरो वन ए पी जीरो वन ए पी जीरो वन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल से ले सकते हैं लेकिन ए पी जीरो वन जरूर से यूज़ करना क्योंकि अगर आप ए पी जीरो वन या प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा राइट right. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि यहाँ पर मैं ही नहीं तो आपको बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं ठीक है बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं साथ ही साथ में मैं आपको कहाँ कहाँ मिलता हूँ मैं आपको तीन जगह पर मिलता हूँ अन अकेडमी नाइन्थ एंड टेंथ ठीक है अन अकेडमी नाइन्थ एंड टेंथ वहाँ पर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और बहुत सारे कमाल की वीडियोज़ आप वहाँ पर आने वाले हैं आपके लिए ठीक है और मैं आपको स्पेशल क्लासेस पर मिलता हूँ अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस Your के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी यहाँ पर मैं जनरली सिक्स थर्टी टू सेवन थर्टी लाइव रहता हूँ ठीक है आज भी क्लास है इलेक्ट्रिसिटी की आज भी लाइव पोल होने वाला है ठीक है आज भी लाइव पोल होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का तो जरूर से आना हम सारे क्वेश्चन करेंगे थ्योरी क्वेश्चन करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे थ्योरी करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे ठीक है और रजिस्टर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ठीक है रजिस्टर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स करेंगे सीरीज के क्वेश्चन करेंगे पैरलर के क्वेश्चन करेंगे एंड मैं आपको यहाँ पर तो मिलता ही हूँ एन फाउंडेशन चैनल पर यहाँ पर जनरली मेरे दो सेशन्स रहते हैं एक रहता है सिक्स टू सेवन जो कि प्रीमियर रहता है ओके सिक्स टू सेवन जो कि प्रीमियर रहता है तो आप ये कभी भी देख सकते हैं और ये लाइव क्लास रहती है तो यहाँ पर आप, आप आके लाइव जरूर देखना ठीक है आप कभी भी देख सकते हैं और रात को रहता है नाइन टू टेन जहाँ पर हम जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसकी क्विज करते हैं लाइव ठीक है ओके okay, तो बस यार अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना अगर आपने मुझे अन अकेडमी की एप्लीकेशन पर अनअकेडमी की प्रोफाइल मेरी फॉलो नहीं की है तो आप वो भी कर सकते हैं लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पर हमने फिजिक्स का ह्यूमन आई कर लिया और इलेक्ट्रिसिटी का पूरा रिविजन कर लिया है रिविजन क्या खैर वो पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया वापस है ठीक है एंड uh, आज भी लेक्चर होने वाला है वहाँ पर सिक्स टू सेवन थर्टी सो डोंट फॉरगेट टू कम बस यार अगर आपने अभी तक इस आई मीन लेट्स क्रैक फाउंडेशन एन टी को आपने अगर टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आपको टेलीग्राम की लिंक्स भी नीचे मिल जाएगी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप जरूर से फॉलो कर सकते हैं ठीक है एंड प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप ज़रूर से ए पी जीरो वन यूज़ करना क्योंकि आपको इससे एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ जो है वो देखने को मिल जाएगा ठीक है एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा ऑल राइट सो बस यार जय हिंद वन दे मातरम एन्जॉय नेक्स्ट वन टिल देन गुड बाय और चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एक बार रिवाइज कर लेना वापस से बहुत ही अच्छा वीडियो बन चुका है आपके रिविजन के लिए ठीक है जब भी आप चाहो आप ये लेक्चर देख के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो ऑल राइट सो मैं आपसे मिलूंगा आई एम सो सॉरी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए गुड बाय मिलते हैं आप लोगों से मिलता हूँ मैं आज आपको शाम को साढ़े छः बजे ओके बाय बाय